हम आते हैं फिर माइक नंबर एक पर, वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर एक से। मेरा नाम राकेश रंजन है, मैं कटिहार से हूं। इस्लाम मेरे जहन में काफी दिनों से है और मैं पीस टीवी कभी कभी देखा करता था और आपसे काफी इंटरेस्ट हूं। तो एक सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि क्या इस्लाम कबूल करने पर शाकाहारी को क्या मांसाहारी होना जरूरी है? ये आम लोगों की जहन में। भाई साहब का अच्छा सवाल है कि इस्लाम कबूल करने पे क्या शाकाहारी को मांसाहारी, वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन होना फर्ज है? नहीं भाई साहब, इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है। इस्लाम में एक इंसान अच्छा मुसलमान रह सकता है 100% शाकाहारी बनने के बाद भी, इस्लाम में फर्ज नहीं है। तो मैं ताहे दिल से इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ माशाल्लाह, और खुदा की पनाहों में जीना चाहता हूँ माशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। मूर्ति पूजा गलत है? एकदम गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। माशाल्लाह, आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। आप, मैं अकेला हूँ। आप अपने मन से करना चाहते? जी हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है? जबरदस्ती नहीं। कोई भी रिश्वत नहीं दे रहा है? रिश्वत किस चीज क्या देगा, पूछ रहा हूँ। क्योंकि जी नहीं, एक बार ऐसा हुआ था पूना के अंदर, माशाल्लाह 19 लोग ने माशाल्लाह इस्लाम कबूल किया। तो पुलिस जाके पूछी थे, डॉक्टर साहब ने कितने डॉलर्स दिए आपको? तो इसीलिए मैं सब लोग के सामने, पुलिस के सामने ही पूछ रहा हूँ। तो हक के बात के लिए डर क्या? तो आप अपने दिल से करना चाहते हैं। और गोश्त खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है, फराइज बहुत कम है इस्लाम में, फराइज और हराम बहुत कम है। लोग समझते बहुत चीज फर्ज है। और एक किताब है क्या, 70 मेजर सिन, बड़े गुनाह 70। तो ये 70 चीज में 70 जो मेन फर्ज और हराम लिखा है उसके अंदर, कुल मिला के और हुई है लेकिन मेन ये है। तो इसके अंदर कहीं भी नहीं लिखा है कि गोश्त खाना फर्ज है। लोग को ये गलत फहमी है क्या मुसलमान को गोश्त खाना ही चाहिए। हाँ, इजाजत है, इजाजत वेद में भी है, इजाजत कुरान में भी है। अगर आपको टेस्टी लगता है खाओ, नहीं टेस्टी लगता मत खाओ। आपको अगर पसंद नहीं आता मत खाओ। तो आप अपने खुश आवाज से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी हाँ। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ के अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह, आप मुस्लिम हो चुके और आप जिंदगी भर अगर शाकाहारी भी रहेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। थैंक यू। गोश्त खाना फर्ज नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। और मैं ऑर्गेनाइज से दरखास्त करूंगा कि जितने भी गैर मुसलमान जो इस्लाम कबूल कर रहे और नहीं भी कबूल कर रहे, सब लोग को हो सके तो इंशाल्लाह तर्जुमा दीजिए कुरान मजीद का और उनको पढ़ने दीजिए। और इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्लाह सुब्हान तआला से कि आपको और हिदायत दे और इस दुनिया और आखिरत में सबसे बेहतरीन जिंदगी दे। धन्यवाद। आईने जवां मर्दा हक गोई व बेबाकी, आईने जवां मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। अगला सवाल माइक नंबर दो से, वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर दो से। डॉक्टर साहब को मेरा एवं सभी मोमिनों को मेरा सत सत नमन। पीने का क्या मजा है जो छुप छुप के पी गई, इस्लाम नाम जाम की है इसे सबको दिखा के पी। पीते हैं लोग अक्सर बोतल की ये शराब, ऐसा है डॉक्टर साहब मैं अपने आप से बोल रहा हूँ। पीते हैं लोग अक्सर बोतल की ये शराब, हबसों की आग को दिल से बुझा के पी। इसीलिए मैं आपके प्यार में और आपके प्यार ने कहीं हमारी जन्मभूमि
समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के दलसिंह सराय प्रखंड में एक छोटा सा पहाड़ पंचायत है, उस पंचायत का मैं निवासी, मेरा नाम जानकी दास। उतना दूरी से खींच लाया, धन है यह किशनगंज की धरती और मैं अपने मर्जी से सच्चे मन से इस्लाम धर्म कबूल करूंगा। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ने आपको हिदायत दी और हिम्मत भी दी कि इतने बड़े मजमे में चुपके चुपके ने डंकी की चोट पे कहा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। वो शायरी जो आपने मारी शराब के बारे में, उसको जरा टर्न करूंगा। कुरान में लिखा है कि आखिरत जन्नत में भी आपको शराब मिलेंगे, लेकिन वो दुनिया के जैसी शराब नहीं रहेंगी, वो शराब में नशा नहीं रहेगा। आप वैसी शराब अगर खुल के पियेंगे जन्नत में इंशाअल्लाह, वो शराब जिसमें नशा नहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ। अब भाई साहब पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? जी गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आप अपने मन से कबूल करना चाहते हैं इस्लाम? जी। आप पे कोई भी दबाव है? कुछ नहीं। कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? कुछ नहीं। आप अपने खुले मन से इस्लाम कबूल करना चाहते? जी बिल्कुल इंडिपेंडेंट। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहरा सकते। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्बहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ के अल्लाह के इलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुके और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू से दुआ करता हूँ कि आपको इंशाअल्लाह इस जिंदगी और आखिरत में भी सबसे बेहतरीन जिंदगी दे। और मैं दुआ करता हूँ कि आपको और हिदायत दे और आपके जरिए आपके और दोस्तों पड़ोसी को इंशाअल्लाह हक के रास्ते पे लेके आए। डॉक्टर साहब एक मिनट, मेरा नाम जानकी दास है, तो मैं अब से अपना नाम क्या रखूं? भाई साहब ने कहा कि मैं उनके लिए नाम दूं, जो नाम अभी जो जहन में आ रहा है कि आप अपने आप को उमर कह सकते हैं। उमर दारा और सिकंदर समाते हैं फिर माइक नंबर एक पर। वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर एक से। मेरा नाम राकेश रंजन है, मैं कटिहार से हूं। इस्लाम मेरे जहन में काफी दिनों से है और मैं पीस टीवी कभी कभी देखा करता था और आपसे काफी इंटरेस्ट हूं। तो एक सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि क्या इस्लाम कबूल करने पर शाकाहारी को क्या मांसाहारी होना जरूरी है? ये आम लोगों की जहन में है। भाई साहब का अच्छा सवाल है कि इस्लाम कबूल करने पे क्या शाकाहारी को मांसाहारी, वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन होना फर्ज है? नहीं भाई साहब, इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है। इस्लाम में एक इंसान अच्छा मुसलमान रह सकता है 100% शाकाहारी बनने के बाद भी, इस्लाम में फर्ज नहीं है। तो मैं तहे दिल से इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ माशाल्लाह, और खुदा की पनाहों में जीना चाहता हूँ माशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। मूर्ति पूजा गलत है? एकदम गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। माशाल्लाह, आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। आप मानने का क्या मजा है जो छुप छुप के पी गई, इस्लाम नाम जाम की है इसे सबको दिखा के पी। पीते हैं लोग अक्सर बोतल की ये शराब, ऐसा है डॉक्टर साहब मैं अपने आप से बोल रहा हूँ
पीते हैं लोग अक्सर बोतल की ये शराब, हबसों हबसों की आग को दिल से बुझा के पी। इसीलिए मैं आपके प्यार में और आपके प्यार ने कहीं हमारी जन्मभूमि समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के दलसिंह सराय प्रखंड में एक छोटा सा पार पंचायत है, उस पंचायत का मैं निवासी, मेरा नाम जानकी दास, उतना दूरी से खींच लाया। धन है यह किशनगंज की धरती और मैं अपने मर्जी से सच्चे मन से इस्लाम धर्म कबूल करूंगा। मोहम्मदन अब्दुहु वरसुलो। मैं शहादत देता हूँ के अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह, आप मुस्लिम हो चुके और आप जिंदगी भर अगर शाकाहारी भी रहेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। थैंक यू। गोश्त खाना फर्ज नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। और मैं ऑर्गेनाइज से दरखास्त करूंगा कि जितने भी गैर मुसलमान जो इस्लाम कबूल कर रहे और नहीं भी कबूल कर रहे, सब लोग को हो सके तो इंशाल्लाह तर्जुमा दीजिए कुरान मजीद का और उनको पढ़ने दीजिए। और इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्लाह सुब्हान तआला से कि आपको और हिदायत दे और इस दुनिया और आखिरत में सबसे बेहतरीन जिंदगी दे। धन्यवाद। आईने जवां मर्दा हक गोई व बेबाकी अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। अगला सवाल माइक नंबर 2 से, वहाँ पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर 2 से। डॉक्टर साहब को मेरा एवं सभी मोमिनों को मेरा सत सत नमन। तीन आप अपने मन से करना चाहते हैं? जी हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है? जबरदस्ती नहीं। कोई भी रिश्वत नहीं दे रहा है? रिश्वत किस चीज क्या देगा, पूछ रहा हूँ क्योंकि जी नहीं। एक बार ऐसा हुआ था पूना के अंदर, माशाल्लाह 19 लोग ने माशाल्लाह इस्लाम कबूल किया, तो पुलिस जाके पूछी थे डॉक्टर साहब ने कितने डॉलर्स दिए आपको, तो इसीलिए मैं सब लोग के सामने पुलिस के सामने ही पूछ रहा हूँ, तो हक की बात के लिए डर क्या। तो आप अपने दिल से करना चाहते हैं। और गोश्त खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है, फराइज बहुत कम है इस्लाम में, फराइज और हराम बहुत कम है, लोग समझते बहुत चीज फर्ज है। और एक किताब है क्या 70 मेजर सिन, बड़े गुनाह 70, तो ये 70 चीज में 70 जो मेन फर्ज और हराम लिखा है उसके अंदर, कुल मिला के और हुई है लेकिन मेन ये है, तो इसके अंदर कहीं भी नहीं लिखा है कि गोश्त खाना फर्ज। लोग को ये गलत फहमी है क्या मुसलमान को गोश्त खाना ही चाहिए। हाँ, इजाजत है, इजाजत वेद में भी है, इजाजत कुरान में भी है, अगर आपको टेस्टी लगता है खाओ, नहीं टेस्ट लगता मत खाओ, आपको अगर पसंद नहीं आता मत खाओ। तो आप अपने खुश आवाज से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी हाँ। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु वसदु अन्ना मोहम्मद। मैं अल्लाह सुब्हान तआला का शुक्र गुजार हूँ कि अल्लाह ने आपको हिदायत दी और हिम्मत भी दी कि इतने बड़े मजमे में चुपके चुपके ने डंकी की चोट पे कहा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। वो शायरी जो आपने मारी शराब के बारे में, उसको जरा टर्न करूंगा, कुरान में लिखा है कि आखिरत जन्नत में भी आपको शराब मिलेंगे लेकिन वो दुनिया की जैसी शराब नहीं रहेंगी, वो शराब में नशा नहीं रहेगा, आप वैसी शराब अगर खुल के पियेंगे जन्नत में इंशाअल्लाह, वो शराब जिसमें नशा नहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ। अब भाई साहब पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? जी गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आप अपने मन से कबूल करना चाहते हैं इस्लाम? जी। आप पे कोई भी दबाव है? कुछ नहीं। कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? कुछ नहीं। आप अपने खुले मन से इस्लाम कबूल करना चाहते? जी बिल्कुल इंडिपेंडेंट। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहरा सकते, अशहदु अशहदु अल्लाह
اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہد واشہد انہ